स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े ही से पूछती हूँ। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग जरूरी थी, क्योंकि जब ही हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है बगैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी जरूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है? आपको हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी, कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है। जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं हम। इनफैक्ट कल जब हमारी डॉकिंग इधर हुई, जो यहाँ क्रू मेंबर्स ऑलरेडी थे, किजेम बलोदिया और अलेट, इन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ था, टेबल पे बिछाए हुए टेबल कवर, तो फूल तैयार किए हुए थे, प्लास्टिक के थे या फ्रेश तो मिल नहीं सकते, और गरम हमने खाना खाया। कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं महसूस हो रही है, वेस्टिबुलर प्रॉब्लम कोई नहीं है और सब हम बिल्कुल मजे में हैं, जैसे आप देख ही रहे। आपके कार्य का बहुत बड़ा महत्व है, इससे बाह्य अंतरिक्ष के रहस्य खुलेंगे और हमारी धरती के पर्यावरण पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। आपकी उड़ान भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री की एक सुंदर मिसाल है। इस क्षेत्र में सोवियत संघ के उदारतापूर्ण सहयोग की भारत सरकार सराहना करती है। हमारे देशवासी, हमारा पार्लियामेंट और व्यक्तिगत रूप से मैं आप और आपके सह अंतरिक्ष यात्रियों कर्नल यूरी मालेशेव और श्री गेनाडी स्ट्रेकलोव की सफलता और सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते हैं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।